तो पिछले लेक्चर हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, मतलब बहुत पहले ही हो गया था, दो तीन लेक्चर हो गया है। और केसी और केपी के बीच रिलेशन देख लेते हैं। केसी और केपी क्या है भाई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में केसी और प्रेशर के रेस्पेक्ट में केपी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है ना? यस सर। केसी होता है और क्या होता है केपी, दोनों कैपिटल के हैं। केसी किस तरह से होता है? विथ रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, ये क्या होता था? पार्शियल प्रेशर सी, पार्शियल प्रेशर डी, पार्शियल प्रेशर ए, पार्शियल प्रेशर बी, पावर सी डी ए बी। उसका क्या देखते हैं? रिलेशन। रिलेशन क्या था भाई? केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल एन जी। यही तक हुआ था? यस सर। नेक्स्ट था हम लोग डिस्कस करते शायद रिप्रेजेंटेशन ऑफ केसी एंड केपी, यही लिख रहे थे, देख रहे थे क्या? सर देख लिया, मतलब यही टॉपिक कंटिन्यू हो रहा था ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केसी एंड केपी। तो इसमें कुछ रूल्स नोट किए थे, कितने रूल्स हो चुके थे भाई? फोर। तो देख लेना एक आध दो जो अभी पहले रिवाइज कर लेते हैं, जो जो शायद मैंने बताया। केसी किसके लिए होता है ये भाई? केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी कैलकुलेट फॉर लिक्विड एंड गैसियस रिएक्शन, ठीक है। बट केपी किसके लिए होगा भाई? इसी से मिलता जुलता पॉइंट करवा के कैलकुलेट ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन। यही था। इफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, एक कंडीशन था, उसके बाद सॉलिड लिक्विड हुआ कंडीशन, हेटरोजेनस सिस्टम की बात कर रहा हूं, सॉलिड गैस हुआ, उसके बाद क्या था? लिक्विड एंड गैस हुआ, तब ये कंडीशन था भाई, सॉलिड गैस हुआ, सॉलिड लिक्विड गैस या लिक्विड गैस या सॉलिड गैस, सॉलिड गैस तो हो गया ये कंडीशन। तो केसी किसके लिए कैलकुलेट होगा? केसी कैलकुलेट फॉर गैस। कैलकुलेट फॉर गैस, ठीक है ना। उसके बाद कैसी कैलकुलेट फॉर किसके लिए कैलकुलेट होगा? लिक्विड। कैसी कैलकुलेट फॉर गैस, लिक्विड और गैस हुआ तो गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस में पहला प्रेफरेंस किसको दे रहा है? गैस के लिए। फिर उसके बाद लिक्विड हुआ तो लिक्विड, अगर सॉलिड है तो सॉलिड फेज में ना केसी फाइंड आउट कर सकता है ना ही केपी, क्लियर है। यहाँ पे गैस है तो केपी भी निकल सकता है भाई, यहाँ पे लिक्विड है तो केपी हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ नहीं होगा ना, यहाँ पे हो सकता है केपी, यहाँ पे गैस है तो केपी फाइंड आउट कर सकते हो। ये किसकी बात था? हेटरोजेनस सिस्टम, इतना ही हुआ था। यस सर, ठीक है। यही पॉइंट्स बताए थे ना हमने? यस सर। चलो आज इसको अप्लाई करते हैं। सॉलिड फेज में रिएक्शन नहीं होते, इसलिए वहां पे यूनिटी कितना लेते हैं? वन।
कुछ क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केसी एंड केपी। क्वेश्चन नोट करना, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केसी एंड केपी ऑफ गिवन रिएक्शन। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केसी एंड केपी ऑफ गिवन रिएक्शन। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केसी एंड केपी ऑफ गिवन रिएक्शन। क्वेश्चन फर्स्ट, एच टू आई टू चेंज हो रहा है टू मोल्स ऑफ एच आई, तो सभी का फॉर्मूला क्या है भाई? जी मतलब फॉर्मूला बोलता है, सभी कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? गैसियस फॉर्म में। तो अगर पॉसिबल है तो कैसे बताओ, केपी पॉसिबल है तो केपी बताओ। पार्शियल प्रेशर समझ लेना एच टू है तो पी एच टू, आईडीन है तो पी आई टू। क्लियर है? सेकेंड एंड रिलेशन ही बता दोगे बिटवीन केसी एंड केपी। कैल्शियम कार्बोनेट सीओ टू प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड गैस सॉलिड, तो केसी जो होगा तो होगा, केपी भी जो होगा सो होगा। नेक्स्ट रिलेशन, नोट कर लो बच्चा लोग। तो क्या होगा भाई, प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे केसी वाले पहले वाले रिएक्शन में? एच आई। तो कंसंट्रेशन ऑफ एच आई बेटा स्टोइकोमेट्री नहीं लिखते, स्टोइकोमेट्री कहाँ जाता है? पावर में। क्लियर है? एच टू का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है ये, और दूसरा रिएक्टेंट कौन सा? आई टू। दोनों के आगे कुछ नहीं तो पावर में वन, तो लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं पड़ता। प्रोडक्ट में क्या प्रेशर किसका होगा? एक एच आई गैस का होगा और एक किसका होगा? एच टू का। पावर में कितना जाएगा भैया? स्टोइकोमेट्री है तो वो पावर में जाता है। ये बना क्या रिलेशन होगा? डेल एनजी निकालो पहले। डेल एनजी क्या? मोल ऑफ प्रोडक्ट तो मोल ऑफ रिएक्टेंट कुछ नहीं तो वन और वन, तो वन प्लस वन इक्वल टू कितना आएगा? जीरो। मतलब के पी इक्वल टू के सी टू द पावर सॉरी आर टी टू द पावर डेल एन जी। तो के पी के सी आर टी टू द पावर डेल एन जी वैल्यू जीरो, एच टू द पावर जीरो इक्वल टू वन होता है। मतलब क्या हुआ? के पी इज इक्वल टू के सी। होगा कि नहीं होगा? इस रिएक्शन में केपी निकाल लो कैसे निकाल लो दोनों सेम रहेगा, ठीक है ना? अब ये वाला रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है बच्चा? CO2 कंसंट्रेशन कौन से फॉर्म में? गैस। नेक्स्ट कौन सा? कैल्शियम ऑक्साइड। कौन से फॉर्म में? सॉलिड। कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड। तो मैं बोलता हूं अगर दो से ज्यादा फेज, एक से ज्यादा फेज है तो गैस को प्रेफरेंस देंगे पहले, ठीक है ना? तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का वैल्यू कितना ले लोगे? वन। कैल्शियम
अपने का भी वैल्यू कितना लोगे, वन, यूनिटी रहता है, ठीक है ना भाई। तो आंसर क्या आएगा, CO2। क्लियर है। वैसे केपी क्या होगा भाई, सिर्फ गैस पे डिपेंड करता है, गैस कहाँ है, प्रोडक्ट साइड में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। रिलेशन क्या आएगा बच्चा लोग, डेल एनजी क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव प्लस वन है, तो केसी इक्वल टू केपी इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर वन। समझ में आया, यही आया ना क्या। लास्ट वाले में क्या होगा भाई बताओ, H2O वेपर के लिए वी कर लेता हूँ, ठीक है ना, H2O लिक्विड। तो भैया वेपर मतलब कौन सा थे, सॉलिड लिक्विड गैस कौन, गैस गैस है, तो H2O वेपर तो रहेगा लेकिन लिक्विड का वैल्यू कितना लोग, वन यूनिटी। केपी क्या होगा भाई, पार्शियल प्रेशर हो H2 वेपर। रिलेशन क्या आएगा, डेल एन जी प्लस वन, तो क्या आएगा केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू द पावर वन, ठीक है ना बच्चा लोग। ठीक है बच्चा लोग, छाप लो। कितने लोग ऐसा बना लिए थे, हैंड रेस करो भाई, सही से बन गया था, बन गया था सभी से करेक्ट। चलो कशिश वेरी गुड, सेजल भी बना ली। अरे लड़के लोग नाक कटाओगे क्या, हाँ आर्यन त्रिपुड़े सही है, बस तीन ही लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हो बच्चा लोग, होली का भांग अभी से खा के एकदम बरा गए हो क्या। लड़कों में बस बस तीन ही चार लोग बनाए भाई। क्लियर है सभी को बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 5, 6 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सब में केसी और केपी का रिलेशन, स्टार्टिंग में सभी गैसियस फेज हैं, फोर्थ वाले में, फिफ्थ वाले में भी सभी गैसियस फेज में, और सिक्स वाले में एक्वस, एक्यू मतलब एक्वस फेज, ठीक है ना, एक्वस मतलब वही समझ लो लिक्विड फेज। तो केसी केपी और दोनों के बीच रिलेशन, केपी पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं पॉसिबल है तो भी ठीक है, बनाओ जल्दी। तो सिक्स वाले क्वेश्चन, रिएक्शन का नेम याद रख लोगे, इस रिएक्शन में CH3COCO2H5 को बोलते हैं एस्टर, इसलिए इसका फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इसका नेम है एस्टरीफिकेशन। तो कंफ्यूज मत होना कभी क्वेश्चन में ये टर्म्स यूज होता है तो। चलो देखो अब फोर्थ वाले में, तो भैया प्रोडक्ट क्या है, NH3, रिएक्टेंट क्या है बच्चा लोग, N2, और क्या रिएक्टेंट, H2, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। NH3 का स्टोइकोमेट्री 2 तो पावर, N2 का कुछ नहीं तो 1, और इसका कितना है 3, तो 1 लिखो या ना लिखो एक ही मतलब है, यही आया। कैसी केपी क्या होगा, तो गैसियस फेज में तो PNH3 प्रोडक्ट प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पावर में कितना जाएगा बच्चा 2, इसकी पावर में कितना जाएगा 3। रिलेशन KP इक्वल टू KC इनटू RT टू द पावर व्हाट माइनस,
यहाँ पे क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 सॉरी पार्शियल प्रेशर होता है कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 PCl5 कंसंट्रेशन Kp का वैल्यू क्या होगा PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 Kp और Kc में क्या रिलेशन होगा Kp इक्वल टू Kc इनटू RT टू द पावर 1 यहां पे क्या होगा बच्चा Kp तो फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि सभी किस में है एक फेज में है तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3 C डबल O C2 H5 कंसंट्रेशन ऑफ वाटर concentration of acetic acid concentration of alcohol C2H5O अब Kp बना ही नहीं तो रिलेशन कहां होगा भाई ना रहेगा तो बांस बासी नहीं तो बासी बनेगा क्या तो Kc और Kp में कोई रिलेशन नहीं यहां पे तो ये था भाई Kc और Kp का नो सर चलो ठीक है एक छोटा सा टॉपिक और नोट कर लेते हैं रिलेशन रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी ठीक है बच्चा ये तो रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी ऑन द बेसिस ऑफ डेल एनजी वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ डेल एनजी वैल्यू ठीक है तो डेल एनजी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बच्चा जीरो और डेल एनजी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है भाई वन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ऐसा बोल रहे हैं हम ये तीन पॉसिबल है वैल्यू पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा मुझे बता सकते हो क्या डेल एनजी क्या है मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट जब रिएक्टेंट मोल ऑफ प्रोडक्ट मोल ऑफ रिएक्टेड यही ना होता है बच्चा यस सर अब डेल एनजी का वैल्यू सपोज पॉजिटिव है कितना है जीरो मान लेते हैं पहले पॉजिटिव नेगेटिव कर लेते हैं पॉजिटिव मान जीरो मान लेते हैं लास्ट में पॉजिटिव ठीक है इसका मतलब क्या होगा बच्चों मोल ऑफ प्रोडक्ट और मोल ऑफ रिएक्टेंट किसका ज्यादा होगा प्रोडक्ट का प्रोडक्ट का ज्यादा होगा प्रोडक्ट का ज्यादा होगा कि रिएक्टेंट का बच्चा प्रोडक्ट बस रिएक्टेंट रिएक्टेंट तो यहाँ पे ये होगा अब यहाँ पे क्या रिलेशन होगा इक्वल टू और यहाँ पे क्या रिलेशन होगा ये भैया अगर ये 10 है ये तो ये 9 होगा तभी ना पॉजिटिव आएगा अगर ये 10 है तो जाहिर सी बात है इस पर 11 होना पड़ेगा कम से कम तब जाके नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा इतना कॉमन सेंस है ना सबका अब बताओ केसी और केपी में क्या रिलेशन होगा केपी बड़ा होगा या केसी बड़ा होगा ये बताना है केसी बड़ा होगा इंस्टा पर भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ तो बताओ बच्चा लोग कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा रिएक्टेंट केसी ग्रेटर देन केपी अब नेगेटिव है तो केपी इक्वल टू होता है केसी आरटी टू द पावर माइनस वन सपोज माइनस एक्स ले लेते हैं ठीक है ना नेगेटिव है तो क्या होगा केपी इक्वल टू केसी अपॉन आरटी तो बताओ यहाँ पे जो वैल्यू है केपी वो हाई होगा केसी से येलो होगा सपोज केसी अगर 100 है तो केपी क्या होगा 100 से ज्यादा आएगा क्या बोलो नहीं सर कम आएगा ना भाई अब 100 को तुम 0.00001 से भी डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है
कुछ तो कम आएगा ही, 0.00 मतलब किसी से भी डिवाइड करो एक से तो कम आएगा ना, तो क्या बोलोगे भाई? 1, 2, 3 किसी से भी डिवाइड करो तो कितना आएगा? केपी कम आएगा, मतलब क्या आएगा बोलो? केपी लेस देन केसी, यही रिलेशन बता रहा था, ठीक है ना? वो नेगेटिव टर्म हो गया था 0.00, ठीक है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चा लोग? डिवाइड करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी से भी डिवाइड करोगे तो वैल्यू कम आए पे करेगा, मतलब आएगा ही। अब बताओ दोनों सेम होंगे तो, मतलब डेल एनजी जीरो हुआ तो केपी केसी आरटी की पावर जीरो और किसी की पावर जीरो मतलब वन, तो क्या आएगा? दोनों बराबर। क्लियर है? दूसरे मार्कर से कर देंगे। अब लास्ट वाले बताओ, अब तो समझ में आई क्या होगा, क्या होगा? KP is greater than KC। हाँ, पॉजिटिव तो नोट कर लो इसको बच्चा, थोड़ा सा लॉजिकली है, समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे, कि रटना पड़ेगा इसको? समझने वाला है, रटने वाला तो है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है बाबू, है लोग हमारे, अब बबनी लोग, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी ऑन द बेसिस ऑफ डेल एनजी वैल्यू, क्लियर है ना बच्चा लोग? यस सर। तो नोट कर लो, छाप लो एकदम फटाक से। और क्या बोल रहे थे हम, क्या बोल रहे थे? हाँ नोट कर लो। तो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी ऑन द बेसिस ऑफ डेल एनजी। अब उसके बाद यूनिट ऑफ केसी एंड केपी, यूनिट ऑफ केसी एंड केपी, तो भैया केसी इक्वल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसकी पावर में जो भी हो एक्स वाई जेड, वैसे क्या होता है बच्चा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाई। तो भैया कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर टू द पावर एक्स, मोल पर लीटर टू द पावर वाई। इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा भाई? मोल अपॉन लीटर टू द पावर एक्स माइनस वाई, यही होगा ना यूनिट केसी का। केपी का यूनिट क्या होगा बच्चा? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर, जो भी स्टोइकोमेट्री एक्स वाई जेड, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। मान लो स्टोइकोमेट्री है y, तो पार्शियल प्रेशर का यूनिट क्या होता है? atm टू द पावर x, atm टू द पावर y, तो क्या बोलोगे? atm x माइनस y, और x क्या है भाई इधर? यहां तो एक इलेक्ट्रॉन, x इक्वल टू मोल ऑफ प्रोडक्ट, x क्या है? समेशन ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, मोल ऑफ प्रोडक्ट, और y क्या है? समेशन ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। कर लो नोट इसको भी, तो कोई भारी चीज नहीं है यूनिट। बताओ तो बच्चा फोर्थ वाले में यूनिट क्या होगा? केसी का यूनिट भी बता दो, केसी का क्या होगा और केपी का? मोल अपॉन लीटर एक्स माइनस वाई,
x माइनस y, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, x क्या है मोलर प्रोडक्ट ना, टू टू x पे टू, y क्या है मोलो रिएक्टेंट, तो वन माइनस फोर, सॉरी हाँ मतलब वही हो गया टोटल फोर, तो कितना आएगा भाई माइनस टू मोल पर लीटर टू द पावर माइनस टू, बन गया यूनिट कैसी का, केपी का यूनिट क्या होगा, एटीएम टू द पावर माइनस टू, यही आएगा देख लेना हाँ, सर इसमें बता यूनिट क्या आएगा कैसी का, क्या होगा यूनिट बताओ, मोल पर लीटर, मोल अपॉन लीटर माइनस वन टू द पावर माइनस वन, या फिर बोल सकते हो लीटर पर मोल, बोल सकते हो ना, ऐसा कंफ्यूज करने के लिए देता है, ठीक है ना। इसके बाद केपी एटीएम माइनस वन, एक मिनट रुको, तो गलत हो गया ना, केसी का वैल्यू प्लस वन ही ना, मोल पर लीटर ये होगा, एटीएम का क्या होगा एटीएम टू द पावर वन, क्लियर है, यहाँ पे कैसी मोल, यहाँ पे वन वन टू, यहाँ पे भी वन वन कितना होगा टू, तो जीरो, तो यहाँ पे कैसी क्या है यूनिटलेस, कैसी क्या है यूनिटलेस, ठीक है बच्चों, बेटा क्लियर है सभी को, यस सर, फोर फाइव यूनिट भी ऐड कर लो, ठीक है ना भाई, स्पेस होगा ना आसपास कहीं पे, अगर हमारे जैसे कॉपी पेस्ट मारोगे तो स्पेस तो होगा ही बाजू में, यस सर है, नोट कर लिए, इससे ग्राफिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, नोट कर लिए बच्चे लोग वहां तक, बेटा नोट कर लिए यहां तक सबको ना, चलो एक क्वेश्चन है, ग्राफ दिया है केपी वर्सेस टी टू द पावर माइनस टू, तो पूछा रिएक्शन इज ए बी सी डी, कौन सा होगा भाई, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस y, कौन सा एक्सिस है भाई kp, mx m का वैल्यू क्या है
एसी अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ठीक है ना। एक्स का वैल्यू क्या है? आर माइनस टू स्क्वायर। वैल्यू क्या है? जीरो। ओरिजिन से स्टार्ट है ना, इसको क्या बोलूंगा, के सी इंटू आर टू द पावर माइनस टू टी द पावर माइनस टू, या फिर बोल सकता हूँ के सी आर टी टू द पावर माइनस टू। तो ये कौन सी इक्वेशन में डेल एन जी माइनस टू, कौन सी इक्वेशन में डेल एन जी माइनस टू, ए या बी? फर्स्ट वाला। ग्राफिकल क्वेश्चन? यस सर। नोट कर लो सर। हाँ बच्चा। सर अगर ओरिजिन स्टार्ट नहीं होता तो क्या लिए रहते सर सी की वैल्यू? वहां पे दिया रहता है, कुछ ना कुछ लिया रहता है, वहां पे हिंट मिलता है, क्वेश्चन में हिंट दिया रहता है वहां पे कुछ ना कुछ। ठीक है? यस सर। और आज की सेवा करते हैं यहीं पे समाप्त।